गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके अपने एक प्यारे से व्लॉग में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो दिस इज AJAY। तो फिलहाल का सीन तो अभी ये है कि मैं अभी फिलहाल अनुराग भैया को छोड़ के आया हूँ, तो अभी दादी जी के पास जाना है क्योंकि दादी जी भी गेहूँ वगैरह ऊपर छत पे सुखाते हैं ना आजकल, तो वो सुखा रही होंगी। तो बोल रहे थे कि गेहूँ निकाल के छत पे रख देना, तो मुझसे तो उठाई नहीं जाती। तो फिलहाल मैं दादी जी के पास जा रहा हूँ, तो मम्मी जी यहाँ पे सफाई कर रही हैं और आज मुझे प्रैक्टिकल वगैरह ही बनानी है, तो आज देखते हैं। तो एक दोस्त है तो उससे लेके आएंगे और फिर आके फिर बनाएंगे, क्योंकि वो शाम को लेके आनी है ना फाइल, तो मेरे को तो उसकी भी अभी कंप्लीट नहीं है, तो शाम के बाद मतलब रात को बनाएंगे। फिलहाल मैंने वो निकाल लिया, तो अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फिलहाल दादी के पास चलते हैं। पहुँच चुके हैं दादी जी के पास। तो दादी जी ने बाहर की तरफ आप देख सकते हैं ये जिसके ऊपर गेहूँ रखनी है, तो अभी छा दिए यहाँ पे गेहूँ निकाल रखी है, तो अभी इसको वहाँ पे रखता हूँ मैं, तब तक आप वेट कीजिए। तो ये बाहर की तरफ मैंने डाल दिया गेहूँ, ठीक है दादी? हेलो, आ जाओ। ठीक है ना, रख दी? बस भाई बढ़िया रह गया। चलो ठीक ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जाके नहाता हूँ। चलिए तो चलते हैं घर की तरफ। तो गाइज, वैसे मैं फिलहाल अभी घर तो आ चुका हूँ, तो अभी मैं नहाने की तैयारी में हूँ। तो उससे पहले भी थोड़े गाने वगैरह सुन रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं तो बोरिंग सा चला हुआ है दिन, तो अभी मैं गाने सुन रहा हूँ और आप भी सुनिए। तो अभी दोस्तों मैंने स्नान तो कर लिया है, तो मम्मी जी पता नहीं कहाँ पर गई हैं, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। तो मम्मी जी बोले गई थी मुझे वहीं पर आस पड़ोस में कहीं पर जाना है, तो वहीं पर गई होंगी शायद। तो अभी मैं फिलहाल नहा धो के रेडी तो हो चुका हूँ, तो अभी थोड़ा पढ़ाई करते हैं। मुझे प्रैक्टिकल बनानी है, वो आपको दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकल ये रही यहाँ पे, ये बीएड की प्रैक्टिकल्स हैं, तो अभी इनको बनाना है। इसमें 8 प्रैक्टिकल है, तो इसमें 4 तो बनी हुई है और 4 मतलब जो बनाने रखी, जो कि मैं बनाऊँगा, उन बनी हुई में से देख के बनानी है ये। तो अभी देखते हैं, करता हूँ मैं शुरू फिलहाल थोड़ा बहुत जितना ही मेरे से होगा, तो इनको कंप्लीट कर देंगे 3-4 दिन में, ज़्यादा नहीं टाइम लगाएंगे, एक दिन में एक कंप्लीट कर देंगे। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। तो अभी दादी जी आ चुकी हैं और मम्मी जी भी, तो दादी जी अभी सेवैयाँ बना के लेके आई है स्पेशल, वो भी मेरे लिए यहाँ पे मम्मी जी। तो अभी मम्मी जी बोल रहे क्या बनाना है, चावल बना लो थोड़े से दाल के साथ, चावल मज़ा आ जाएगा, सॉस और लेके आओ मम्मी। तो अभी ये नमकीन सेवैयाँ इंजॉय करते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, पढ़ने के बाद शाम को मिलूँगा डायरेक्ट शायद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी उठा था, तो अभी चल रहे हैं साहिल के पास, उसको आज पूजा करने के जाना है, तो साथ में उसको पेट्रोल भी डलवाना है अपनी बाइक में, तो चलिए चलते हैं उसके पास। तो इसके बाद आप सभी सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या हुआ, तो आप सब खुद ही देख लीजिए, तब तक मैं हेलमेट ठीक करता हूँ। जैसे ही मैं साहिल के घर पर पहुंचा, तो मैंने देखा साहिल बाइक को साफ़ करने में काफ़ी व्यस्त था, और उसने फिर मेरे कैमरे की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी और दोबारा से बाइक को बाहर निकालने में व्यस्त हो गया। और बाइक को बाहर निकालते ही सर्वप्रथम उसने बाइक को स्टार्ट किया और हम पूजन स्थल के लिए हमने वहीं से प्रस्थान किया। और पूजन स्थल पर पहुँचते ही हमने महसूस किया कि वहाँ पर बहुत ही अधिक शांति थी, तो उसी शांति को देखते हुए हमने पूजा करना शुरू कर दिया और पूजा अच्छे से संपन्न की। और पूजा संपन्न होने के पश्चात हमने वहीं से पेट्रोल पंप की ओर प्रस्थान किया और साहिल की बाइक में पेट्रोल डलवा लिया और फिर हम घर की तरफ वापस आ गए। तो अभी हेलमेट को तो मैंने ठीक कर दिया है, तो इसके बाद आप देखिए आगे क्या हुआ। तो आज फिर कल की तरह बस आ चुकी है, तो इसी में होंगे पापा जी और अनुराग भैया, ये आ चुके हैं देख लीजिए, ये पीछे की तरफ पापा जी चले। तो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, तो ये मेरी लाइफ का बहुत ही बोरिंग दिन था, क्योंकि आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा हूँ, क्योंकि आप सभी कमेंट नहीं करते, तो व्यूज़ भी वगैरह भी नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे। तो मैं तो कंटिन्यूसली अपना काम कर रहा हूँ अच्छे से, तो मुझे लगता है जो मेरी ऑडियंस है वो भी कुछ बोरिंग टाइप से किया है, तो कुछ सजेशन वगैरह नहीं दे रहे आप,
तो अगर आप सजेशन वगैरह दोगे तो तभी तो मैं करूँगा कुछ। तो फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट वगैरह किया करो, तो अगर कहीं पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो उसी के बारे में कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, तो वो चीज़ें आप बता सकते हो। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि मैं अच्छे से मोटिवेट हो सकूं। और हाँ, ये व्लॉग इसलिए लेट आ रहा है क्योंकि सुबह से मेरा नेट मतलब चल नहीं रहा था, तो कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रखी थी, तो इसलिए ये व्लॉग अभी लेट डालूंगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप कमेंट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करोगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।